ओम शांति। आज बड़े दिल से हम हमारे सचिन देशमुख डॉक्टर का स्वागत करते हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि हमारे जीवन में दुख और सुखों का आधार क्या है। सच्ची बोले तो हमारे जीवन में दुख और सुख का आधार हमारा शरीर है। ठीक है ना? शरीर ठीक है तो मस्त मस्ती में रहते हैं। ठीक है ना? धन ना हो, मकान कपड़ा कुछ, लेकिन शरीर ठीक है तो सब कुछ है हमारे पास। शरीर ठीक नहीं है तो कोई भी बात में, कुछ भी चीज में मजा नहीं आता है। सही सही बात बोला ना हमने। आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट इस शरीर के साथ है। ठीक है? आध्यात्मिक मार्ग में हम सीखते हैं कि उसको ट्रस्टी बन के कैसे चले, उसको प्यार से कैसे संभाले। शरीर को संभालने के लिए तन और मन दोनों जरूरी है। तन को भी हम संभाले, मन को भी संभाले। ठीक है ना? मेडिटेशन, योगा आदि मन को भी संभालते हैं, लेकिन तन भी इतना जरूरी है। इस मेडिटेशन के अंदर तन ठीक होना, मन ठीक होना, दोनों ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए आज हमारे पास ये डॉक्टर सचिन आए हैं, जो ट्रेन्ड फिजिशियन इन इंडिया में है। एंड वो भाई साहब काफी डिग्रीज होल्ड करते हैं, डिप्लोमाज इन होलिस्टिक मेडिसिन, होम्योथेरेपी, आयुर्वेदिक, योगा थेरेपी। ये भाई की अगर मैं जो बायो पढ़ू ना, तो बहुत 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 बहुत, बहुत लंबा हमारे भाई साहब का बायो है। लेकिन हमारे भाई साहब, मैं ये कहूं, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, हमारे भाई साहब को एक नम्रता की मूर्ति है। आप उनको मिलेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि कोई डॉक्टर है, इतनी सारी डिग्री है, जिन्होंने हमारे भारत में भी पुणे में नेचुरल थेरेपी योगिक साइंस हॉस्पिटल में काफी सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की। और हमारे भाई साहब ऐसे हैं कि किसी को भी मदद करने में एवर रेडी रहते हैं। तो इन बहुत सारे भगवान ने उसको कलाई दी है, विशेषताएं दी है। तो हमारी दिल की चाहना है कि भगवान ने जो भी प्रभु प्रसाद उनको दिया है ना विशेषताओं का, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो भाई साहब, हमारे आपके सामने यहीं पे जो भी बैठे हैं, तो ये पूरे अमेरिका से लोग आए हैं। सारे अमेरिका, सिर्फ अमेरिका में ही ना कहूं, लेकिन सारे विश्व के लोग इसी जूम पर अटेंड करते हैं। जब से जूम चालू हुआ है, तब से भगवान ने बहुत अच्छी सेवा के लिए हम सबको निमित्त बनाया है। So, दिल से भाई साहब आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू दीदी हेमा, एंड नमस्कार टू एवरीवन, ऑल द वंडरफुल दीदीज एंड दादाज एंड फैमिलीज हु आर जॉइनिंग अस, एंड गुड टू सी लॉट ऑफ वंडरफुल नोन फेसेस, आल्सो लॉट ऑफ फैमिलियर फेसेस स्माइलिंग। सो एज दीदी हेमा गेव अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन दैट द आयुर्वेद एंड योगा, they both are the sister branches to each other and they go hand in hand. So the tandurast sharir or tandurast man, dono cheeze healthy life ke liye bahut aavashyak hai. To isme hum kuch slides bhi aapko batayenge, par wo jo slides hai wo angrezi mein hai, to uska bhi translation main hindi mein karunga jitna possible hoga. To most isme jo baat rahegi ki ye इंटरैक्टिव रहे, आपके जो भी क्वेश्चंस हो आयुर्वेदा के बारे में, बहुत सारी गलत फहमी है तो वो भी आपकी दूर हो, और आप कुछ चीज़ें साथ में ले जाओ कि जो आप आज से इस्तेमाल कर सको, कि जिससे आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस भी अच्छी हो और इसके साथ में आपकी लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आए, कि सिंपल सिंपल चीज़ों से कितनी बातें बदलती है। तो इसमें एक बहुत पुरानी स्टोरी है कि एक फादर थे, तो पिताजी वो थोड़े उनका एज हो गया, तो उन्होंने बताया कि उनका जो एक ही लड़का था उसको बुला के साथ में, कि जब मैं ना रहूं तो मैं आपकी खुशहाली चाहता हूं, तो आपको क्या चाहिए, तो लिस्ट बनाओ तो मैं आपके लिए तैयार कर देता हूं। तो उन्होंने बोला, ये तो बहुत आसान बात है, क्या चाहिए? तो बैंक अकाउंट चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, अच्छी सी नौकरी चाहिए,
और एक अच्छी बीवी या पार्टनर चाहिए और अच्छी कम्युनिटी चाहिए। तो पिताजी ने बोला ये तो सब मंजूर है। तो उन्होंने एक बड़ा सर्कल लिस्ट के ऊपर बनाया अपने बच्चे के और उस पर दो शब्द लिखे, और वो दो शब्द थे कि हेल्थ की तंदुरुस्ती और हैप्पीनेस जो है कि सुख शांति। अगर ये दो बातें अगर हमारे साथ ना हो तो पिताजी ने बोला कि अगर ये सब चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कर दूं फिर भी आप उसका जो है उसका एंजॉय आप कर सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, तो क्या हम लोग वो जो बच्चा है वो हमारे अंदर देख सकते हैं? तो दो जो भी आपका जवाब होगा जरूर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हम में आता है। और दूसरी तरफ की जो अंतरात्मा होती है उसमें भी हमारी आस होती है, हमारी अंतर इच्छा होती है कि हम मोक्ष की तरफ बढ़े, लाइफ को अच्छी मीनिंग जो है उसको समझे और एक साथ दूसरे की मदद करें और हंसते गाते रहे तो लाइफ ब्लिसफुल हो। तो इसमें दो बातें हम साइंटिफिक ढंग से देखते हैं कि हमारी शरीर को जो बनाया गया है तो शरीर को जो है हालचाल बहुत जरूरी है। दूसरी बात है मन को बिल्कुल स्टिल रहना, जैसे काम रहना, शांति में रहना, वो भी उसका धर्म है। तो आजकल के जमाने में उल्टा होता है, क्या होता है कि सब शरीर जो है स्क्रीन के सामने बैठे हैं और हालचाल तो होती नहीं है, पर जो दिमाग है वो दिमाग तो 10,000 माइल पर आवर घूम रहा है। तो इसीलिए आजकल के बहुत सारे जो रोग है वो उसके कारण ही पैदा होते हैं। तो आयुर्वेद में इसको माना जाता है, उसको बोलते हैं दैट कि जो जो भी रोग है उसका जो रूट होता है, जो उसका जड़ होती है, तो वो हमारे मन में होते हैं। और अगर वो हम ठीक ना करें तो जितने भी इलाज हम करेंगे तो वो कोई नई प्रॉब्लम शुरू कर देंगे, कोई नई समस्या शुरू हो जाएगी और जो है पुरानी समस्या वैसी की वैसी रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास झाड़ है, पौधा है और वो ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर से उसको पानी डालेंगे, उसको साफ सुथ करेंगे तो वो ठीक होगा कि हम उसके जो जड़ है उसको ठीक करेंगे और जो जो जिसमें उसको लगाया है जो पॉट होगा तो उसको ठीक करेंगे तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, किससे हमको ज़्यादा फायदा होगा? तो जिस समय हम जड़ की देखभाल करेंगे, उसको ठीक समय से पानी देंगे, उसको ठीक समय पे लाइट हो जैसे सनशाइन मिले, तो अपने आप उसको ज़्यादा समृद्धि होगी, है ना, वो ठीक से बढ़ेगा। तो सेम वे हमारी लाइफ का भी ऐसे होता है कि शरीर के लिए कुछ धर्म हमने करने हैं और मन के लिए भी कुछ बातें हमने करनी है। तो जैसे राजयोगा की मार्ग है तो उससे तो मन लग जाता है, पर अगर शरीर ठीक ना हो, तंदुरुस्त ना हो, तो मन फिर पूरी तरह से उसमें समर्पण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अगर हमने शरीर को भी ठीक करवाया तो हमारी साधना जो है वो बहुत समृद्धि होगी, उसमें सफलता भी हमको बहुत आसानी से मिल सकती है। सो वी वर हियर, सो वी वर लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव दैट हम सब लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत आसान होगी जब हमारे पास ऐसी कोई किताब होगी कि जिसमें जो भी क्वेश्चन हमको आएगा तो उसके क्वेश्चन हम पूछेंगे। अभी बहुत सारे लोग इंटरनेट पे देखते हैं और पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पर हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि गूगल को भी उसका आंसर नहीं मिलता है, तो उसका जो उत्तर होता है वो हमारे भीतर होता है। तो फिर हमको ऐसे लगता है अंदर कि हम कुछ खुद भी करना चाहिए, हमारा खुद का एफर्ट भी होना चाहिए कि जिससे हमको कोई मार्ग मिले
और ऐसी किताब हम लिखे, तो जब भी हम ऐसे सेशन अटेंड करते हैं तो उस समय हमारी किताब की जो पहली चैप्टर है वो बन जाती है। तो हम हिस्ट्री में चलते हैं, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं तो जो मेडिसिन जिसने शुरू किया था उसका नाम था हिपोक्रेट्स इन द 5th century BC। तो उसने बताया कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन नॉट बी योर फूड, कि खाना तुम्हारा दवा बने और दवा तुम्हारा खाना नहीं बने, और सिर्फ ठीक खाना खाने से तुम तंदुरुस्त नहीं रहोगे, बट आपको कुछ एक्टिविटी करना भी जरूरी है, हलचल करना भी जरूरी है। तो उसी समय सुश्रुत जो आयुर्वेदा का डॉक्टर था उसने लिखा कि खाना ठीक समय पे खाओ, हमारे जो शरीर है जो उसकी हमारी पाचन संस्था है, डाइजेशन है, वो भी ठीक चलता है जब हम खाना ठीक से खाएंगे। सो हम लोग बोलते हैं कि इट इज अमेजिंग कि जैसे हम लोग रेगुलर लाइफ जिएंगे, जैसे डेली रूटीन हम करेंगे, दिनचर्या जिसको बोलते हैं उसका पालन करेंगे, तो उसके साथ में बहुत कुछ हमारे बदलाव शरीर मन में आता है, और जब हम इसमें इरेगुलरिटी रखेंगे तो उसके साथ ही शरीर में हमारे दुख हो जाता है, डिसीज बन जाता है। डिसीज का मीनिंग होता है डिस ईज, ईज मीन्स द कम्फर्ट एंड द डिस मीन्स नो कम्फर्ट। सो जब हमारी कंफर्ट नहीं रहेगी बदन में तो डिसीज बनता है। तो ये सिंपल बात में ही बहुत सारे जो आंसर से हमारे आजकल के जो समस्या हम फेस करते हैं उसमें लगे हैं। कि एक तो है पुराने जमाने में, जैसे बहुत 20 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, तो लोग अस्पताल में आते थे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन्फेक्शंस हो गए। पर अभी के जो भी समस्या हम देखते हैं कि वेट है और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मानसिक समस्या है, और अभी तो ये सर्जन जलरन ने बताया है कि अभी की जो नई पैंडेमिक होगी वो पैंडेमिक वो मानसिक होगी, कि लोगों का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है ये पैंडेमिक के बाद में, तो उसके लिए भी हमने कुछ करना जरूरी है। तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अभी नई नई बातें हुई तो इसके साथ में हमारी आदतें भी बदल गई, कि सब लोग घर में रुक गए थे तो बाहर जाना नहीं हुआ, तो घर में बैठ बैठ के आप क्या कर सकते हैं। तो उसके साथ में दोनों फायदे हमने देखे हैं कि जो लोग रेगुलर पहले नहीं जल्दी उठते थे, खाना ठीक से नहीं खाते थे, अपनी तंदुरुस्त के लिए कुछ इतना ज्यादा ख्याल नहीं करते थे, उनका काफी चेंज हो गया, कि जो जल्दी उठने लगे, घूमने के लिए जाने लगे, पहले बाहर खाते थे तो अभी घर पे खाने लगे क्योंकि सब कुछ बंद था इन बिटवीन। तो इसके जो बेनिफिट हमको सामने हाथ में आए उसके साथ में अभी पूरी मेडिसिन में भी चेंज हो रहा है, कि जैसे है कि कुछ बातों को अगर हो जाए उसको होने से पहले अगर हम कुछ करें प्रिवेंट करने के लिए तो उसके साथ में हमको बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें हमने एक कहानी बनाई, तो उसमें हमने बोला कि इस जमाने में पैंडेमिक के समय सब लोग अकेले अकेले फील करने लगे, तो वो भगवान के पास गए और उन्होंने बोला कि भगवान हम बहुत अकेला महसूस करते हैं तो हमको एक कंपेनियन दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत ठीक बात आप बता रहे हैं, तो आप कुछ डिस्क्रिप्शन बताओ फिर हम सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो कि जैसे हम उठ जाए तो हम उसकी तरफ देखें, जब हम आंख बंद करते हैं सोने के लिए जाए तब हम उसकी तरफ देखें, और हम उसको इतना ठीक से रखें, उसका ख्याल करें कि उसको कुछ खरोच ना हो, उसको हर्ट ना हो। तो बोला ये भी ठीक बात है, और जो मुझे बहुत प्यारा हो, दिल के साथ लगा हो। तो फिर भगवान ने आंख बंद करके खोला और बोला कि ये आईफोन ले लो, यही सबसे बेहतर कंपेनियन है। सो इन दिस इरा व्हाट हैड हैपेंड टू अस दैट द मीडिया बिकम्स वेरी कैप्टिवेटिंग कंपेनियन। तो देन पीपल फील स्ट्रेस कि हम न्यूज देखेंगे,
टीवी देखेंगे तो उसका भी अच्छा या बुरा असर हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर रिफ्लेक्टिवली होता है। नाउ हम लोग देखते हैं कि हम सब लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एफर्ट करते हैं कि सबको सुखपूर्ण शांतिमय लाइफ होना चाहिए, ये सबकी मन की इच्छा होती है। तो आयुर्वेदा जो होता है इट ब्रिंग्स कि बहुत पुराना और वो भी टेस्टेड, जिसको ऑलरेडी प्रूव किया है, ऐसा नॉलेज और हेरिटेज हमारे साथ लाता है। और नॉट ओनली ये सिंपल और यूजफुल है बट इट्स ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल भी है। तो इट इज सो ओल्ड, सो इट इज 5,000+ ईयर्स ओल्ड सिस्टम, सो इट इज वेरी रिफाइंड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ग्रोन इन टू द एशियन रीजन्स दे आर ऑलरेडी वेल वर्स विद द हाउ टू इंटीग्रेट इन टू देयर डेली लाइफ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर कुकिंग एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर लाइफ स्टाइल एंड डेली रूटीन एंड ऑल्सो सीजनल रूटीन। कि जैसे जब भी सीजन के बारे में हम बात करते हैं तो सीजन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हम 4 सीजन करते हैं और इंडियन सीजन हम 6 सीजन मानते हैं। तो 6 सीजन के अनुसार माइनर चेंजेस हम धीरे धीरे करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के चेंजेस हम लोग करते हैं कि एक तो जैसे अभी गर्म हो गया तो हम हल्के कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, अगर ठंड हो गया तो हम जैकेट पहनेंगे। सो द सेम वे भी अगर खाने में हम वही करेंगे तो कैसे होगा कि अगर गर्मी है हम गर्म खाएंगे तो शरीर में उष्मा हो जाएगा, और अगर गर्मी में हमको शरीर को ठंडा करना है तो उसके लिए भी हमको कुछ बातें करनी जरूरी होगी। तो इसमें एक बात हम समझते हैं कि जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्दर्न रीजन में, तो वो लोग व्हीट बेस्ड डाइट खाते हैं, गेहूं का खाना ज्यादा होता है। और जो लोग साउथ बेस्ड में होते हैं, साउथ में रहते हैं, वो ज्यादा राइस बेस्ड डाइट खाते हैं। तो जब भी ऐसे ही होती है तो इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप W निकाल दो, द पहला लेटर व्हीट में से, तो क्या बचता है? हीट। तो गेहूं गर्मी करता है, और राइस में से आप R कम कर दो तो क्या रहता है? आइस। सो राइस कूल करता है, सबको मंजूर है? सो वेट गर्मी करता है और राइस ठंडी करता है। तो वैसे भी स्पाइस जो होते हैं, जो मसाले हम खाते हैं, तो वो भी अलग अलग परिणाम हमारे शरीर मन पर करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ मसाले होते हैं वो ठंडे करने वाले होते हैं, कुछ मसाले जो होते हैं वो गर्मी करने वाले होते हैं। सो गोइंग बैक टू द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, सो इसमें हम लोग जो मनुष्य को देखते हैं, तो आयुर्वेदा में सिर्फ जैसे अगर हमारी नी पेन है तो उसको सिर्फ हम नी के हिसाब से नहीं देखते, वो नी किसकी है वो हमारे लिए ज्यादा अहम बात है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो जो हमारा पर्सन है वो, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये लिवर और ये हार्ट और ये ब्रेन और ये, ऐसा नहीं। पर जो है पूरा शरीर मन को साथ में लेके उसके अनुसार हम उसको एड्रेस करते हैं। तो इसमें एक पुरानी बहुत स्टोरी है एक उपनिषद की, तो वो स्टोरी ऐसी है कि ये सब शरीर के जो अवयव है, इंद्रिय है, वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, और वो झगड़ते समय तो पेट ने बोला कि मैं ही अहम हूँ क्योंकि मैं सब कुछ करता हूँ, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रेन ने बोला मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, अगर मैं सोचता हूँ मेरे साथ में सब कुछ चलता है। तो बाद में जो है जॉइंट्स ने बोला कि हम नहीं हिलेंगे तो तुम कहाँ जाओगे, तो झगड़ा बहुत ये हो गया। तो सबने पेट को बोला कि तुम बहुत ग्रीडी हो, तुमको हर समय खाना लगता है, 2 बार जरूरी है, तो तुम्हारे लिए कुछ करना जरूरी है। तो फिर पेट ने बोला ठीक है मैं हड़ताल करता हूँ,
तो पेट ने हिलना बंद कर दिया। तो जैसे ही पेट ने हिलना बंद कर दिया तो क्या हुआ, उसके साथ में 2 दिन के बाद धीरे धीरे ब्रेन का काम भी धीरे धीरे कम हो गया, जॉइंट में सूजन आने लगी, मन भी कुछ सोचने काबिल नहीं रहा। फिर उन्होंने शरणागति ले ली और पेट को बोला कि तुम ही हो, मातर हो, अभी हिलो। तो जैसे आप हिलोगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये बात जो 5000 साल पहले आयुर्वेद ने बताई थी, वो बात अभी मॉडर्न साइंस भी रिकॉग्नाइज करता है। तो उसमें अभी पता चला है कि 70% हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, मेधा होती है, वो गट में होती है और उसको बोलते हैं गट बायोम। तो अगर पेट ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक है, पेट खराब है तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो उसमें ऐसी बात है कि आयुर्वेदा में बताया है कि हाईवे टू द हेल्थ गोस थ्रू द स्टमक, कि जो भी हमारी हेल्थ की जो हाईवे जाती है वो हमारी पेट से जाती है। तो इसके अनुसार इसमें और एक आविष्कार हुआ कि 1960s में एक बड़े साइंटिस्ट ने अमेरिका में रिसर्च किया, तो उन्होंने बताया कि 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है, जैसे जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, साक्षी, तो 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस अगर जो लोग ध्यान करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, उनका बायोलॉजिकल एज 16-18 साल से यंगर हो जाता है। कि जैसे वो हो गए 50 साल के, पर वो दिखेंगे 35 साल के, है ना। तो इसीलिए जो हम डेली रूटीन और वो सब ठीक से करेंगे तो हमारी पूरी लाइफ में बहुत डीप ढंग से बदलाव आता है। तो इसमें फिर 2 बातें आते हैं कि जो भी पर्सन हम देखते हैं एक दूसरे को, भले ही हम एक ही पेरेंट की जो चाइल्ड क्यों ना हो, पर उसमें हर एक पर्सन यूनिक होता है और उनका यूनिकनेस कहाँ से आता है, वो पंच महाभूत से आता है। सो द एक तो होती है एयर और द स्पेस, फायर, वाटर एंड अर्थ। सो जो भी हमको मैटर दिखता है, जो भौतिक हमको दिखता है, तो वो भौतिक ये 5 इससे बनता है। उसमें फिर 5 सेंस ऑर्गन्स बनती है और 5 एक्शन ऑर्गन्स बनती है, सबको पता है। और उसका जो इसेंस होता है, जो ड्राइविंग फोर्स उसके पीछे होता है, उसको बोलते हैं तनमात्र। सो तनमात्रा से ये सब एक्शन ऑर्गन और सेंस ऑर्गन में लाइफ आती है। सो ये वाता पिता कफा क्या होता है, तो ये वाता पिता कफा हमारी यूनिक स्टैम्प है, कि जैसी हमारी पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट में हमारी जेनेटिक कोड है। तो अभी जिनको वाता पिता कफा पता नहीं है, उनके लिए सिंपल सॉल्यूशन है कि हम 3 टाइप के लोग देख सकते हैं। कौन से 3 टाइप के होते हैं? कोई जो दुबले पतले दिखने वाले लोग होते हैं, कोई जो मीडियम फ्रेम के लोग होते हैं, और कोई लोग हैवी फ्रेम के होते हैं। सबको मंजूर है कि 3 टाइप के लोग हमको देखने में नजर आते हैं। सो उनमें से जो पतले लोग होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, वो वाता के लोग हैं, ठीक है। जो मीडियम बिल्ट है वो पित्ता के है, और जो हैवी बिल्ट है वो कफा वाले हैं। तो इसमें जैसे है कि अगर मैं वाता की बॉडी टाइप में पैदा हुआ हूँ, पर जिस ढंग से मैंने जीना शुरू कर दिया, जिस टाइप में सोता हूँ, उठता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या सोचता हूँ, उसके अनुसार मेरा बदन कफा का हो सकता है। सबको मंजूर है कि पहले हम दुबले पतले थे जब हम यंग थे, पर अभी जैसी एज बढ़ रही है तो हम वेट गेन कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है बिकॉज हम खाना बदल देते हैं। कि जैसे अभी हम लोग जो अमेरिका में आए हैं, तो जो है कि हम हमारे पेरेंट जैसा नहीं खाते हैं, अभी हमारे बच्चे हैं वो हम जैसा नहीं खाते, ठीक है। तो ये चेंज जो है वो स्वाभाविक है, बिकॉज इसको बोलते हैं ओकसात्म्य,
एडॉप्टेशन टू द एनवायरमेंट, कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो अवेलेबल है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं. फिर जो इमोशनल अपसेट है, एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर चेंज होंगे, एनवायरमेंट में चेंज होते हैं, तो उसके जो बदलाव आते हैं उसको हम कहते हैं विकृति. कि जैसे हम पैदा हुए वो हमारी प्रकृति, और जिस ढंग से हम आगे जाते हैं उसको बोलते हैं विकृति. उसमें बहुत अच्छी कहानी है, तो वो कहानी में बताते हैं कि जो लोग अपनी प्लेट में जो दिया है वो खाते हैं वो प्रकृति, और जो लोग है दूसरों की प्लेट में देखते हैं और देखते हैं कि मेरे प्लेट में है, उनकी प्लेट में कुछ अलग है जो मुझको नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं विकृति, परवर्जन. और तीसरी क्वालिटी जो होती है उसमें संस्कृति, की मेरे प्लेट में नहीं है पर दूसरे की प्लेट में है, तो उसको शेयर करो. उसके साथ जब हम शेयर करेंगे तो हम हमारा आनंद और दुगना हो जाता है. तो हम लोग जो करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हम संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये सब बातें आयुर्वेदा से बहुत नजदीक है. सो ये सिंपल है कि ये फिलॉसफी है, इसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, ये साइंस है. इसमें मेनली हम लोग जानते हैं पंचकर्मा होता है जिससे हम डिटॉक्स करते हैं, रसायन होता है जिससे हम रिजुविनेशन करते हैं, दिनचर्या जिसमें हम कैसे खाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, वो लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसको अभी नई ब्रांच ऑफ मेडिसिन खुली है, ऋतुचर्या की जैसे सीजन के अनुसार कैसे बर्ताव करें, एंड देन इन द लॉन्ग रन की दीर्घायु कैसे रहे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है. नाउ जैसे मेडिसिन में होता है ऑर्थोपेडिक हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, वैसे आयुर्वेदा में भी ये बहुत सारे 8 कंपार्टमेंट्स हैं. इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ईयर नोज थ्रोट, आई डिसीज, पीडियाट्रिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइकियाट्री, रिजुविनेशन, वाइटैलिटी. सो उसको बोलते हैं काय चिकित्सा, शल्य तंत्र सर्जरी, एंड शालक्य तंत्र दैट इज द आई नोज थ्रोट डिसीज, पीडियाट्रिक्स, कुमार भृत्य, एंड टॉक्सिकोलॉजी द पॉइजनस थिंग के बारे में करना, अगध तंत्र, एंड देन साइकेट्री भूत विद्या, एंड द रिजुविनेशन रसायन, एंड वाइटैलिटी द वजीकरण. सो नाउ जैसे हमने वाता पिता के बारे में सोचा, तो दीज आर एयर एंड स्पेस बिकम्स वाता, फायर एंड वाटर बिकम्स द पिता, एंड वाटर एंड अर्थ बिकम्स द कफा. सो अगर आप भूल भी जाएंगे ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट जस्ट टू रिमेम्बर कि पतले लोग वाता, मीडियम बिल्ड पित्ता, और द हेवी बिल्ड कफा होंगे. तो इसमें धातुज होते हैं. सो धातुज मीन्स बॉडी टिश्यू, जैसे हमारा ब्लड है, हमारे मसल है, हमारे बोन है, बोन मैरो है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, और 3 एस्क्रिटरी प्रोडक्ट जो जिसको हम बोलते हैं यूरिन, स्टूल, एंड पसीना जो आता है स्वेट. सो जब ये सब बातें एक साथ रहेगी तभी हम स्वस्थ है. तो जब ही हमारी जो है ब्लड शुद्ध है, हमारे मसल्स पूरे ठीक से काम कर रहे हैं, फैट भी हमारी बदन में ठीक से फैला हुआ है, बोन भी स्ट्रॉन्गर है, और जो मज्जा जो बोन की बोन मैरो होती है वो भी ठीक से काम कर रही है, और एक्सक्रीशन भी ठीक हो रहा है. तो इसमें बहुत लोग पूछते हैं हम सिलिकॉन वैली में कि हम स्वस्थ है, तो इसका एक एक आप कारण बताओ कि हम स्वस्थ है किस तरह से जाने. तो उसमें आंसर बहुत सिंपल है कि जब हम उठ जाते हैं सुबह को, तो जैसे हम उठ जाएंगे तब हमको रेस्टरूम जाना पड़े, बॉवेल मूवमेंट हो जाए, तो हम बिल्कुल स्वस्थ है. ठीक है, तो हमको कुछ आयुर्वेद पता नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या है कफ, पित्त भी पता नहीं है, फिर भी हम कैसे समझे कि हम स्वस्थ है.
तो हमको सुबह जल्दी उठने के बाद पहली चीज हमको बाउल मूवमेंट करनी होती है, तो दैट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ. सो द कोटिंग ऑन द टंग इज अनदर साइन ऑफ द बैड हेल्थ. सो नॉर्मली सबको कोटिंग सुबह आती है, पर अगर वो कोटिंग दोपहर में रहेगी 12 बजे के बाद, तो उसमें आमा बनता है. तो अगर हमारी लाइफस्टाइल शुद्ध है, आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो ये हमारी जो भी हम खाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो बनता है ओजस. ओजस इज द रेडियंस. और जब हम वो ठीक से नहीं करते हैं, तो वो बनता है आमा. ठीक है, तो जो भी हमारे विचार भी आमा में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो इमोशन भी हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करती है. तो इसके साथ में अभी हम सोचेंगे कि हमारा देखने का नुस्खा क्या है. हम देखते हैं कि शरीर, मन और स्पिरिट तीनों साथ में हमारी, हम खुद को मैं बोलता हूँ. शंकराचार्य की बहुत पुरानी स्टोरी है कि वो कि जो बकरी होती है वो भी बोलती है मैं, और जो बर्ड होता है वो बोलता है तू तू, है ना. सो द ऑल दिस विजडम गिव्स अस सम न्यू आइडियाज कि वही बात है, पर ये करंट टाइम में हम इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं. तो ये जो 6 टेस्ट है, कौन से है? स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट. एंड देन वी ऑल्सो यूज द पंचकर्मा डिटॉक्स लाइक द मसाज, स्टीम, शिरोधारा, विरेचन जिसको बोलते हैं परगेशन, एंड ऑल्सो यूजिंग द फूड एज मेडिसिन. सो नाउ वेन वी लुक, वी आर इन अमेरिका, सो आई लुक एट लॉट ऑफ रिसोर्सेस एंड आई केम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट बाय द अब्राहम लिंकन. एंड ही सेड डू नॉट वरी, ईट 3 स्क्वेयर मील्स पर डे, से योर प्रेयर्स, बी कर्टियस टू योर क्रेडिटर्स, कीप योर डाइजेशन गुड, एक्सरसाइज, गो स्लो एंड ईजी, एंड मे बी देर आर अदर थिंग्स योर स्पेशल केस रिक्वायर्स टू मेक यू हैप्पी, बट माई फ्रेंड दिस आई रेकन विल गिव यू अ गुड लाइफ. सो आयुर्वेदा भी सेम ही बोलता है ना. और जो भी हम पाथ फॉलो करते हैं, वो भी टीचिंग वही बोलता है कि चिंता मत करो, खाना ठीक से खाओ, प्रार्थना करो, जो भी हमारी मदद करता है उसको ध्यान रखो, उसको थैंक यू बोलो, डाइजेशन ठीक से रखो, एक्सरसाइज करो, टेक थिंग्स इजी. जैसे अभी मेरी पावर पॉइंट नहीं चल रही थी, तो दीदी ने क्या बोला, शांति से रहो, हो जाएगा, ठीक होने तक राह देखो. एंड दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प अस टू बी हैप्पी एंड हेल्दी इन टू द लाइफ. नाउ आयुर्वेदा सेज द वाइब्रेंट हेल्थ, स्वस्थ रुत, दैट इज द नेम, एंड दैट इज कॉल्ड एज निरामय, निरामय हेल्थ और निरामय आयुष. सो द वन हुज दोषाज इन बैलेंस, हुज एपेटाइट इज एडिक्वेट, हुज टिश्यूज आर फंक्शनिंग टू ऑप्टिमल, हु हैज रेगुलर एलिमिनेशन, हुज माइंड बॉडी सेंसेस आर इन हार्मोनी, इज कॉल्ड टू बी इन हेल्दी स्टेट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सुश्रुता फॉर द हेल्थ. नाउ वेन वी लुक एट द बैलेंस एंड देन द इम्बैलेंस, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द वाता पित्ता एंड कफा इन टू द आयुर्वेद. नाउ एवरी पर्सन इज डिफरेंट ऑफ दीज माइंड बॉडी, वी कॉल इट प्रकृति. वी ऑल्सो लर्न की विकृति भी क्या होती है. एंड नाउ हाउ टू क्रिएट द इम्बैलेंस टू द बैलेंस. सो हम लोग देखते हैं दोषा की तरफ. तो दोषा होते हैं, दे आर साइकोफिजियोलॉजिकल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न ऑल द एक्टिविटीज ऑफ माइंड बॉडी. एंड वेन वी आर इन हेल्थ, दे आर ऑल्सो इन टू द परफेक्ट हेल्थ. नाउ दे आर गाइड फॉर अवर इंडिविजुअल हेल्थ. सो बेस्ड ऑन हमारी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसे है, उसके अनुसार हमने क्या करना चाहिए वो होता है. तो एक एक्सरसाइज हम करते हैं कि अगर हमारी प्रकृति वाता है, लीन बिल्ट और थिन बिल्ट है, तो हम लोगों ने एक्टिविटी, हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है. तो एक है पित्ता वाले लोग हैं,
और हैवी बिल्ड कफा वाले लोग हैं, तो वो कौन सी टाइप की एक्टिविटी शुरू करें? तो तीन एक्टिविटी हम चुनते हैं, एक है स्विमिंग है, एक है वॉकिंग है और तीसरा है वेट लिफ्टिंग। तो अभी वाता वाले देखते हैं, तो वाता वाला पर्सन होगा तो वो कौन सी एक्सरसाइज एक्टिविटी उन्होंने चूज करनी चाहिए? वॉकिंग। वॉकिंग, ब्यूटीफुल। एंड पिता वाले पर्सन होंगे तो उन्होंने कौन सी एक्टिविटी चूज करनी चाहिए? स्विमिंग। स्विमिंग। और द कफा वाले लोग हो गए, वो कौन से? वेट लिफ्टिंग। ब्यूटीफुल। So now the question comes ki why? Answers are right. बराबर बताए तो क्यों करे, ऐसे क्यों करे, क्योंकि पिता वाली जो नेचर होती है दे आर एंथुजियास्टिक बट उनकी एनर्जी ज्यादा टिकती नहीं है, दे आर हॉपर्स, थोड़ा ये करे थोड़ा वो करे। पिता वाले होते हैं वो शुरू करे तो खत्म होने तक वो लगे रहते हैं, और कफा वाले होते हैं वो शुरू करने में उनको मुश्किल होती है पर वो खत्म होने तक छोड़ेंगे नहीं, और उनको एंड्यूरेंस बहुत ज्यादा होता है। सो नाउ जब हम ट्रीटमेंट प्लान का सोचते हैं तो हम दो टाइप की ट्रीटमेंट सोचते हैं, एक तो है परमानेंट क्यूर जिसको बोलते हैं शोधन चिकित्सा, और जो पैलिएशन उसको बोलते हैं शमन, विच विल हेल्प अस टू गेट इन टू द बैलेंस। नाउ ये दोषा जो होते हैं, ये दोषा बोथ वे हमारे सिस्टम में आते हैं, इसको बोलते हैं एक दोष प्रकृति, दैट मीन्स सिर्फ वाता ही है। दूसरी होती है द्वादोज प्रकृति, दैट मीन्स ड्यूअल, इसमें वाता पित्ता या पित्ता कफा दोनों साथ में है। तीसरी होगी तीनों एक साथ है, उसको बोलते हैं त्रायदोषिक प्रकृति और द समदोषा प्रकृति। नाउ हमारे इसमें थ्री सिस्टम्स होते हैं, सो वाता बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो वाता की होती है, सर्कुलेशन, फ्लो, रेगुलेशन, बॉवेल मूवमेंट, देन द न्यूरो सिस्टम, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सब वो वाता एनर्जी है। पित्ता होती है ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एसिड एंजाइम, एंड द कफा स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, the mucus secretions, gut lining, integrity of junctions, and then there are usually 2 to 6 pounds of gut bacteria which build the immune system, जैसे हमने बोला gut biome जिसको हम बोलते हैं। Now ये बात second point जैसे वाता पिता के साथ, so सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक पिता energy होती है, 2 बजे से 6 बजे तक वाता एनर्जी होती है, और 6 बजे से 10 बजे तक कफा एनर्जी है। तो अभी हम कौन से समय में है? हम कफा के समय में है, और इसमें जैसे अभी पित्ता में डाइजेशन ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग, वाता समय में माइंड अलर्ट होता है, तो इस समय हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, और 6 to 10 कफा होता है हेवीनेस एंड स्लीप, सो उस समय हम एक्टिविटी करते हैं। सो एक्सरसाइज के लिए कौन सा समय अच्छा है? मॉर्निंग, कफा टाइम 6 to 10, वेरी गुड, सबको आ रहा है। सो अभी इसको प्रैक्टिकल टूल में हम कैसे बनाए, तो ये डेली रूटीन ऐसे दिखता है कि 2 to 6 AM वाता इज एक्टिव, सो यू अवेक बिफोर 6 AM, दैट इज द गुड टाइम फॉर मेडिटेशन। देन 6 to 10 kapha is active, good for exercise, avoid sleeping in that period. And then 10 to 2, pitta is active, digestion is strongest, so eat largest meal at lunch. And then 2 to 6, because vata is active, the body is tired, so that time you drink hot water, the tea, not the chai, but the herbal tea, kashayam, and rejuvenate with meditation. And then 6 to 10, kapha is active, so evening walk, and then go to bed by 10 p.m. Now 10 p.m. to 2 a.m., that is the pitta active, metabolic house cleaning,
एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू बेड एट 10 PM. सो विल स्पेंड लिटिल टाइम ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग. सो देर इज नाउ लॉट ऑफ रिसर्च विच शोज दैट people who wake up at the sunrise have the very good high quality of life. बाद में the bigger problem होता है कि breakfast होता है कैसे खाना चाहिए, बहुत बड़ा या हल्का? बड़ा बड़ा हल्का हल्का breakfast. हल्का breakfast, very nice. Because what the breakfast means? Breakfast. You are breaking. Breakfast. Yeah. So you're breaking fast because you're not eaten for 9 hours, 12 hours, 16 hours, 14 hours. You hear now intermittent fasting. So then suddenly if I wake up and I said, let's climb Mount Everest, will you be ready? You need some time, right? So the digestive system is also resting. Heart was resting. Your lungs are resting. So pranayam karo, energize karo. वॉक करो तो मसल को वेकअप करो एंड देन यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज. नाउ जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज नाउ इट इज लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर ही मेन मील होता है. बराबर है, सब मानते हैं? सो आइडियली लंच तुम्हारा मेन मील होना चाहिए और डिनर बहुत कम. सो हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में हार्ट डिसीज बहुत ज्यादा है. क्यों है? लॉट ऑफ दीज हैबिट्स वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल होती है. तो इसमें हम लोग बताते हैं कि जो आयुर्वेद में बताते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो नाश्ता मिडिल क्लास की तरह करो, सब कुछ मॉडरेट खाओ, मॉडरेशन. और कितना खाओ? जितना हमारे हाथ में आता है अंजलि में, तो उतना ही हमारी स्टमक का साइज होता है. और जो लंच है वो राजा जैसे खाओ, सब कुछ अवेलेबल है एंड ठीक से खा सकते हो. और डिनर होता है वो बेगर जैसे करो, भिखारी जैसे खाओ, आधे पेट. तो उसमें जो खाने में भी बताया गया है 50% खाना सॉलिड फूड खाइए, 25% लिक्विड और 25% खाली रखो तो गैस ना बने. सबको एग्रीबल है? सिंपल है. अगर इस ढंग से हमने लाइफस्टाइल चेंज किया तो बहुत सारे डिसीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हम खाना ही 9 बजे बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? हमारी डाइजेशन ठीक नहीं होगी. फिर अगर ये जो हम सुबह 10 बजे 12 बजे हमने जो लंच खाया है उसको डाइजेशन हम कब करते हैं? रात को 10 बजे. तो जो भी हमने सुबह खाया है उसको प्रोसेस कब होता है? रात को 10 बजे. इसीलिए रात को मेडिटेशन करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्यों है? क्योंकि वो सब हमारी इमोशन, जो भी अच्छे बुरे प्रसंग हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब साफ सुब होके हम शांति से सो जाए तो दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे. तो किसी ने बताया कि इसको रिपीट करो, तो इसमें नाश्ता जो है मॉडरेशन में करना है और लंच है वो मेन मील करना है और जो डिनर है वो बिल्कुल हल्का करना है, ठीक है? और रात को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठना है. अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं मेड स्कूल में था तो मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था. तो मेरी नानी आई और उन्होंने बोला कि तुम्हारे एग्जाम है तो तुम अब जल्दी सो जाओ, अभी तुम थके हुए लग रहे हो. तो मैंने बोला आपको पता नहीं कितना पढ़ना पड़ता है, ये है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा. फिर वो आधे घंटे के बाद आई, उन्होंने बोला कि आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आंखें खुल रही है, तुम सो जाओ तो सुबह तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा. मैंने बोला नहीं नहीं तुमको पता नहीं, मेरे को अभी बहुत खत्म करना है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है. फिर वो 10-15 मिनट बाद वापस आई, फिर उन्होंने बोला कि मैं तो मेड स्कूल नहीं गई पर मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं पहली बार आई थी
दूसरी बार आई थी और अभी आई हो, तो आप वही पेज पे हो, वही पैराग्राफ पे और वही लाइन पे हो, तो प्रोग्रेस तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब ये बात मेरी समझ में आई तो फिर मैंने सुबह उठना शुरू किया। तो जब सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरी समझ में आया कि रात को जो पढ़ने में 4 घंटा लगता है वो आधे घंटे में सुबह हो जाता है। और उसमें उसको बोलते हैं श्रुति स्मृति धृति, अटेंशन रिटेंशन एंड रिकॉल। सो वो बढ़ जाती है कि हमारा अटेंशन बहुत फोकस होता है और जो हम पढ़ते हैं वो हमारा रिटेंशन भी ठीक से हो जाता है, और जो हम रिटेन करते हैं उसको जब जरूरत पड़ती है उसको रिकॉल भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो नाउ ये स्टडी है, there are a lot of different studies, the timing of the food and the predicts weight loss. So done with the 420 people and with the 20 week of weight loss program. So the 50-50% people, so late eaters, those raat ko jo late khana khate hain versus jo lunch main khana khate hain, unko compare karo. So jo main khana hai jo dopahar ko 3 baje se pehle khate hain या जो 3 बजे के बाद में खाते हैं, सो द उनमें वी नोटिस दैट कि जो 3 बजे के बाद हेवी खाना खाते हैं वो वेट गेन करते हैं, जो लंच बिग खाते हैं वो वेट गेन नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ ओल्ड स्टोरी फ्रॉम द आयुर्वेद एंड इट सेज once a disciple asked Charak. Charak was one of the sage who shared Ayurveda, and he said, the ancient master of Ayurveda, is there anything that balances all 3 doshas, all the 7 dhatus, helps the release of the 3 bodily waste, promote the production of ojas, increases sattva, and is suitable for all ages and can be done in all seasons and everywhere in the world and does not cost anything, should be free. तो ऐसी चीज क्या बता सकते हो कि जो सब सबको ठीक कर देगा, मन को शांत कर देगा, शरीर को चुस्त कर देगा, दोषा को ठीक कर देगा, एनवायरमेंट को ठीक कर देगा, बॉडी वेस्ट को ठीक कर देगा, सब एज को सुटेबल है, सब सीजन में अप्लीकेबल है, तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है। So Charak smiled and he said, yes, there is something. Just wake up early in the morning and take a walk in the light of the rising sun. Now there are a lot of new studies which came, and that shows one of the studies is still in the process. Wo batati hai ki Sankranti ke samay 2 hafta pehle, Sankranti hoti 14 January ko, aur 2 hafte baad mein, jo log abhyanga karte hai, tel lagate hai sharir ko, और अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन को एक्सपोज करते हैं बॉडी को, तो उनको पूरे साल की विटामिन डी बन जाती है 2-4 हफ्ते में। तो जो ट्रेडिशन फेस्टिवल हम जो सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे भी कोई कारण है। नाउ मॉर्निंग लाइट एंड द बेसिक बीएमआई सब लोग जानते हैं, तो जैसे लोगों को एक्सपोजर होगा आउटडोर BMI का, इंडिपेंडेंट कैलोरी, तुम कितनी कैलोरी पिए उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्लीप टाइमिंग एंड ड्यूरेशन। सो द मिनिमम 20 मिनट्स बिफोर नून, एंड द कंक्लूजन दैट एक्चुअली मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर जिसको होता है, जो धूप में रहते हैं सुबह के, तो उनके लिए वेट गेन, शायद उनका BMI चेंज हो सकता है। सो ये सब बहुत सारी नई स्टडीज हो रही है, तो ये पावर पॉइंट अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम बाद में शेयर करेंगे। तो ये जस्ट बताता है कि जब वाता बैलेंस हो तो कैसे मैनिफेस्ट होता है, और जब वो बैलेंस ना हो तो कैसे दिखता है। तो हम इंडिविजुअली देखते हैं। सो
दिस इज द वाता, और हम आपको एक क्विज भी करने देंगे साथ में. सो वाता इन बैलेंस, सो एनर्जी होती है, बट वाता आउट ऑफ बैलेंस यू फील टायर्ड, यू लर्न इजिली, यू बिकम फॉरगेटफुल, क्लियर माइंड, लैक ऑफ फोकस, फॉल इजिली अस्लीप, बट नींद नहीं आएगी अगर वाता आउट ऑफ बैलेंस है. सर्कुलेशन ठीक होगा, सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, हाथ ठंडे हो गए नहीं हो गए, समथिंग. नाउ द पित्ता, बिकॉज इट्स डिफरेंट एनर्जी, सो द टाइप वन पर्सनैलिटी, एंड वेन इट इज आउट ऑफ बैलेंस यू बिकम एंग्री ईजिली. सो अगर गुस्सा आता है तो पित्ता बढ़ गया है. स्ट्रांग इंटेलेक्ट होता है, और अगर काम ही करते रहो ब्रेक नहीं है तो भी पित्ता गड़बड़ हो गया है. स्किन रैश आ जाएंगे, अगर पित्ता ठीक है तो ग्लोइंग स्किन होगी, और ठीक नहीं होगी तो स्किन रैश होगी. नाउ इसमें एक बात है कि स्लीप के बारे में सोचते हैं कि जिनको जल्दी नींद नहीं आती है वो लेट जाएंगे, पर वो नींद नहीं आ रही है तो वो वाता की स्लीप है. जो सो जाते हैं फिर रात को 2 बजे उठ जाते हैं, उनको पित्ता की समस्या है. और जो सोने में कोई मुश्किल नहीं, रात भर भी ठीक से सो लेते हैं, पर सुबह उठना गड़बड़ हो जाता है, तो ये जिनको होता है वो कफा की स्लीप होती है. सो नाउ वी आर लर्निंग कि एक्सरसाइज करना, स्लीप के पैटर्न्स करना, ये सब नेचर के सिंबल है, और अगर हम इसको ठीक से मास्टर करें तो ये विद्या है, ये नॉलेज है. सो आयुर्विद्या, दैट मीन्स आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ. सो लाइफ में जो भी कंपोनेंट हम फेस करते हैं वो सब कंपोनेंट इसमें इंक्लूड होता है. नाउ कफा के लोग होते हैं वो बड़े स्टेबल होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, बट दे ऑल्सो आर स्लो इन मेटाबॉलिज्म, सो दे गेन वेट इजिली, उनकी डाइजेशन स्लो होती है, दे फील सैड इजिली, दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ फूड क्रेविंग्स, दे आर ऑल्सो वेरी वार्म एंड अफेक्शनेट एंड सो ऑन. Now we can take these questions. So that these are the questions you need to balance vata, and then you take one point for if you have yes to the answer, and then you count all the numbers, and then the highest number we get are your basic body type. Is the vata hai ya pitta hai ya kapha? And these things are very easily available. If you want, we can also share your resource later. And then this is for the pitta. I'm going a little faster just to cover everything in time. And we will go to the next for the kapha. And this is a simple way to understand. We can also learn through the pulse. The nadi vigyan is a very important part of the Ayurveda. And in Ayurveda, we don't jump on conclusion immediately. So my teachers taught me that the vaid who asks the more questions is a fool. He don't understand the logic. But jo dekhke usko pata chalta hai ki kya gadbad hai, he is the real vaid. And that way, we know by tongue, nails, skin, the voice, the personality, अगर वो लोग आते हैं तो किस ढंग से बात करते हैं, आर दे हम्बल, आर दे एरोगेंट, आर दे एग्रेसिव, टोनल क्वालिटी क्या है, आईज का लुक कैसे है, आईज में शांति है कि नहीं है, उनके साथ बैठने से आपको शांति लगती है कि आपको भी रेस्टलेसनेस होती है, उसके अनुसार ये सब बैलेंस इम्बैलेंस हमको इजिली पता चलते हैं. नाउ ये तीनों के अगेन सब टाइप्स होते हैं, 5 उप प्रकार होते हैं. और जैसे प्राणा के सबको पता है, प्राणायाम करते हैं, प्राणा उदाना समाना अपाना व्याना, एंड एनर्जीज भी सिंपल होती, प्राणा इज इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, एंड देन द उदाना इज द अपवर्ड एनर्जी, अपाना इज द डाउनवर्ड एनर्जी, एंड देन द समाना इज द साइडवेज एनर्जी, and vana is the energy into the peripheral parts, and how we can correlate. So if somebody is feeling tired, so or if somebody feels anxious, then
it's affected their pranic level because they have overactive mind. And what will help them? Raja Yoga practice will be very useful for them. They don't need any treatment. And they need good rest for their body and mind. This is how we look at how they reflect on different organs in our body. And this is how the Pitta. So you get a whole picture because Ayurveda is a big science. We want to give you the whole idea. And then when we look at finding the imbalance, so we look at how to rebalance mind-body, lifestyle change, diet, food, herb, activity, meditation, aromatherapy. And then that way we also determine the type of the imbalance, duration of the what treatment might be beneficial to us in that particular nature. And the great advantage of Ayurveda is the prevention is the key. And then the Charaka, the Ayurvedic physician in Charaka Sahita says, only when the physician has failed in that first goal does he or she need to resort to the second goal, which is cure. That means if you get sick and your sickness is worsened, then you are not dealing with the good doctor, because the good doctor should be who help you to prevent things from happening. Now, olden days used to be in India and China, the doctors used to get more rewards and more money from the kings when there is nobody sick in the kingdom. Koi bimar na pade, to unko jada tankha milti thi, aur jada bakshis milta tha. Aur jo jada log agar bimar padenge, to unko kam recognition milta tha. Now, so before we get into the disease, there are six stage manifestation. So six step mein disease manifest hota hai. So usme se jo main hoti hai, pehli do stage hoti hai, usme koi symptom nahi hai. Third stage mein you notice some symptoms. So somebody says, aap theek ho, aapko bukhar hai, theek to ho. And aap bolte ho, nahi, main theek ho, mujhe kuch nahi hua. Thoda sa kuch thakan ho raha hai. And then you go into the fourth stage, ki ya mujhe flu hua ya COVID hua. And then when there is nothing is done for that long time, then you develop into the chronic stage, which is the sixth stage. And the fifth stage is a full-blown disease. So I'll skip few slides because they are not that relevant. But these are the vata. This is what we need to do for vata balance. कि रात को जल्दी सो जाओ, खाना ठीक पे समय पे खाओ, बॉवेल मूवमेंट ठीक रखो, एंड देन ठंडी है तो गर्म रखो, गर्म है तो ठंडा रखो, सिर्फ कपड़े से नहीं, तन मन सबसे. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म लिक्विड, अवॉइड स्टिमुलेंट्स लाइक टी, कॉफी, अल्कोहल, एंड दीज आर द थ्री टेस्ट, स्वीट, सावर एंड सॉल्टी फूड्स. वेरी सिंपल लॉजिकल थिंग. And the most important part, even if you forget all the rest, vata coming, itna yaad rakho. And pitta soothing, so moderation is the key. And keeping cool is the key. So even gussa hai to shanti rakho. It is best for you to avoid excessive heat for the exposure. So dhoop mein mat baitho. Alcohol bhi thik nahi hai, smoking thik nahi hai. Stressful deadline nahi karni chahiye. एक्सेस एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए. थकान हुई तो बैठ जाओ, थोड़ी रेस्ट करो, वापस शुरू करो. डोंट ईट टू मच स्पाइसी, सावर और द सॉल्टी फूड. एंड ऑल्सो डोंट मिस द मील, खाना मिस मत करो, क्योंकि उसके साथ पित्ता बहुत डिस्टर्ब होता है. और कफा में स्टिमुलेशन इज द की, सो दैट दे नीड पुश, करो करो करो, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है. और एक बार उनकी आदत लग गई फिर वो करते हैं. और उनको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज चाहिए. तो कफा लोगों को कुछ पथ्य नहीं होता है, पथ्य मीन्स रिस्ट्रिक्शन. तो दे कैन हैव एवरीथिंग, दे आर वेरी लकी बॉडी टाइप. देन दे लव वैरायटी, सो दे नीड वैरायटी. एंड अवॉइड मेनी हैवी ऑयली फूड्स, स्पेशली चीज,
and dairy products, there are a lot of studies which shows how that has negative influence on us, especially as South Asians. So keep warm in cold and wet weather, because that's when the kapha is aggravated. Now this vata, pitta and kapha also goes with the season. It also goes with the lifestyle. So when we are born, we are kapha type. No matter what our body type is, we are all kapha. Babies look chubby, yes or no? And जब हम मिडल एज में होते हैं हम पित्ता बनते हैं, और अभी हम सीनियर एज में आएंगे तो हम वाता बनते हैं। वैसे ही अभी जो होता है कि जहां पर हम रहते हैं, नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन इज अ टिपिकल वाता एरिया, सो द कॉमन प्रॉब्लम्स व्हाट वी सी आर द जॉइंट पेन्स, अस्थमा, एलर्जीज एंड दिस थिंग्स विच कैन इजिली वी कैन प्रेडिक्ट जस्ट बाय दिस नॉलेज. एंड देन ऑल्सो हम कुछ कर सकते हैं कि जिसके साथ हम इसको समय पे प्रतिबंध करें. नाउ द डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज दैट क्रिएट्स द इम्बैलेंस. खाने से अच्छा खाना मिले तो हमारा मन भी सात्विक बनता है. सो द टेस्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो टेस्ट मीन्स टेस्टी खाना नहीं, बट द स्वीट सावर सॉल्टी टेस्ट. एंड देन एवरी मील शुड हैव दोज टेस्ट. Now, when we look at the tongue, this is how we look at it. So the tongue, jo meetha taste hota hai, wo tip of the tongue mein hota hai. Astringent, jo sikudta hai, masuduk, ye hamare gums ko, wo piche ki taraf hota hai. Salty side mein hota hai, sour side mein hota hai, pungent center mein hota hai, aur bitter back side of the tongue mein hota hai. और जब हम टंग को देखते हैं तो हम इस ढंग से देखते हैं. तो ये कोटिंग की हमने बात की थी कि जब भी मुंह में एक कोटिंग आती है तो कोटिंग सेंटर में आई तो क्या हुआ, इंटेस्टाइन में गड़बड़ है. और ये हम देखते हैं बहुत बार डेली लाइफ में, तो धीरे धीरे इसका भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं. सो डाइजेशन भी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते चलाते सैंडविच खाते हैं या नाश्ता करते हैं, कॉफी पीते हैं, वो ठीक बात नहीं है. मूविंग व्हीकल में नहीं करना चाहिए, शांति से बैठो. और डोंट वॉच टीवी, डोंट रीड न्यूज़पेपर, हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन. ईट ऑल्सो सेम टाइम रेगुलरली, डोंट ईट टू फास्ट और डोंट ईट टू स्लो. And eat about the quantity we already discussed. And don't leave the table hungry or very full. So, jyada stuff nahi karo aur jyada khali bhi nahi rakho. And then, lot of other things that agar bhook nahi lagi hai to khana nahi khao. And milk ke saath mein fruit nahi karo. Aur honey ko garam nahi karo. Avoid refrigerated foods. And आफ्टर खाने के बाद में थोड़ा शांति से बैठो. रात को सोने से पहले हम बोलते हैं शतपावली, स्ट्रॉलिंग करो. एंड देन डेली रूटीन, सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डेली रूटीन, सो आई विल स्किप दोस, बट दैट्स हाउ वी डू इट. मॉर्निंग में क्या करना है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बावेल, क्लीन टीथ, क्लीन टंग, अभ्यंग आयुर्वेदिक मसाज, अगर शेव करना है करो, गार्गल विथ सेसमी ऑयल कॉल्ड एज ऑयल पुलिंग. एंड ऑयल पुलिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ इन अमेरिका. सो इफ यू गो ऑन गूगल एंड टाइप ऑयल पुलिंग, यू विल सी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय लॉट ऑफ पीपल क्लेमिंग सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. इट ऑल्सो इम्प्रूव योर गम हेल्थ, डेंटल हेल्थ एंड सो मेनी थिंग्स. मेडिटेशन, लाइट ब्रेकफास्ट, वर्क एंड स्टडी, आफ्टरनून कैसे करना है, तो लंच, follow the right diet, the right spice for your body type, and then take a main meal at the lunch, and then few minutes after eating sit quietly, and then the evening time you do the take a brief walk, shatapavali as we said, engage in pleasant activity before go to bed, don't spend time on the computers and so on. This is about the abhyanga, the oil massage. Oil massage we do it in the morning. And you prepare the oil very simple. You boil the oil to the boiling point. You can add any spices, herbs into them, and then cool off, and then you use it. So what it does, the heat, the agni,
creates siddhi. Siddhi means it creates the absorption to the oil, and thus herbs diffuse into the oil. Wo bahut kaam ke aate hai. So we'll skip that part. And the last part, we know, just to recap, that the mental, we want to create the relaxation, or the emotional, the pitta, we want to create soothing, reduction of the heat. For the physical, we want to create the invigoration. That means the stimulation. That is the three keywords we want to remember. If we are thin built, we need calming. If we are medium built, we need soothing. And if we are heavy built, we need activity. Very important. And then these are the some herbs which we use. A lot of those, you know, this is like the heart-shaped leaves are giloy, and those things are very, very known. Ashwagandha, Jatamasi. This is just for you to have a feel. And make sure the herbs, anything you take, are good quality. They are tested for contamination. There are a lot of contaminants in a lot of herbal products. This is one of the study we have done to prove that actually the herbs are more effective than just other anxiety management principle or even the medication. Sometimes this is more helpful, and it shows the benefits. And we take the last point, that the old dictum shows that when we see the strength in the problems and we stop resisting stress and use it as an impetus for use stress or a positive stress. So sab stress kharab nahi hota hai. Some stress hamare liye acha bhi hota hai. So jab bhi, when we face the difficult time in life, take it as a blessing from the universe. It's a time and opportunity for us to wake up and maybe think how we are leading our life and restart some spiritual life and stop resisting the stress and use it as a positive impetus. And in normal course, when we learn from the modern way, we learn that stress management is fight or flight. Agar saap dikhta hai, to bhago. Darwaja kahan hai, dekho. And nahi to usse fight karo, usko marne ki koshish karo. But then, with the yoga and meditation and things, what we learn? Bhagna bhi nahi hai aur jagadna bhi nahi hai. Shanti se, wahi raho aur enjoy karo. Usko फेस करो, चेंज करो द एनवायरनमेंट को. हम चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, हम बदल सकते हैं. एंड दैट गिव्स अस द एश्योरेंस दैट वी कैन लिव ऑप्टिमल हेल्दी लाइफ. एंड एज द फर्स्ट स्लाइड वी सॉ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सी द होल स्पेक्ट्रम. We still didn't cover a couple of things, but I believe hopefully that gave you a good impression of what Ayurveda stands for and how we look at different things and entities. So now we have a couple of minutes, so I will open it to any questions or anything you would like to share. Thank you. Thank you so much. Anna? आपने कितना समय सफल किया, कितना अच्छी बातें समझाई. लगता है कि जैसे सागर को गागर में भरने वाली बात आपने कर दी. सागर को अपने गागर में भरा, वैसे तो काम नहीं चलेगा ना. आप इतना गागर में भर दिया तो उसका मतलब ये होता है कि आपको दोबारा आना पड़ेगा, धीरे धीरे समझाना होगा. नहीं, हम ऐसा करेंगे कि जैसे भी भाई को भी समय मिलेगा तो दोबारा हम भाई को जरूर निमंत्रण देंगे, या तो कुछ उसके साथ सीरीज करेंगे ताकि वो भाई हमको अच्छे से धीरे धीरे समझाए, ताकि हमको भी समझ में आए.